नमस्कार, मेरा नाम है कुसुम और आज है हमारे साथ मीना कोतवाल, जो किसी पहचान की मोहताज नहीं है। मीना कोतवाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू कुसुम। मीना जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि आपने अपने ट्विटर में ऐसा क्या लिख दिया कि पुलिस आपसे आपको धमकियां दे रही है। कुछ खास नहीं लिखा था। एएनआई का ट्वीट था जिसमें बताया गया था कि जो पीएसी जवानों के बीच में है, एक दलित दूल्हे की जो है बारात सक्सेसफुली निकली थी उसमें, क्योंकि पीएसी जवान थे वहां पे तैनात और उनके बीच में वो निकली थी। तो वो एएनआई का ट्वीट था और उसको रिट्वीट करते हुए मैंने कोर्ट में लिखा था कि अगर किसी दलित को पीएसी जवानों की मदद लेनी पड़े उसको घोड़ी पे चढ़ने के लिए, और बाबा साहेब का संविधान है ये, तब ऐसा हो रहा है तो तब क्या होगा। जब आप हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं तब क्या होगा, इस तरह का एक ट्वीट किया था मैंने। और उसको लेके बुलंदशहर पुलिस ने, बुलंदशहर का ये मामला था क्योंकि, तो बुलंदशहर पुलिस ने उसमें मुझे धमकी दी कि आप या तो ये ट्वीट डिलीट कीजिए या आपके खिलाफ जो है कार्रवाई होगी, क्योंकि आपने जो है सद्भावना और पता नहीं बड़े बड़े शब्दों का उन्होंने इस्तेमाल किया था कि आपने जो है आहत पहुंचाई है उन चीजों को। तो उसकी वजह से उन्होंने वो सारी चीजें धमकी दी और मेरा ऐसा कुछ भी नहीं था उसमें। तो एक एक बार को मैंने सोचा भी कि वैसे तो मैंने कोई शब्द इस तरह का कुछ भी इस्तेमाल नहीं किया था, फिर भी मैंने लीगली एडवाइस ली तो उन्होंने भी कहा कि ऐसा इसमें कुछ है नहीं। तो मैंने कहा इसमें तो फिर मुझे डरने की जरूरत है नहीं, क्योंकि जब उसमें कुछ था ही नहीं तो उसमें डरना क्या। मैंने कोई शब्द उसमें ऐसा इस्तेमाल नहीं किया, जबकि कई सारे लोग तलवारों के लिए बोलते हैं, रेप की धमकियां रेप करने के लिए बोलते हैं, उनका कुछ नहीं होता। हम हाशिए पे जी खड़े समाज की आवाज उठा रहे हैं, हम हाशिए पे खड़े समाज के लिए बात कर रहे हैं, तो उनको जो है उनको लगता है कि सद्भावना को आहत पहुंची है और उनके जो रूल रेगुलेशन है उनको आहत पहुंची है, तो इसलिए वो धमकी दे रहे थे, मुझे डरा रहे थे। मीना जी, ऐसा क्या कारण है कि आजादी के इतने सालों बाद भी दलितों को घोड़ी पर चढ़ने के लिए अनुमति मांगनी पड़ती है? क्या कारण है, साफ दिखाई देता है। कारण यही है कि कास्टिज्म इतना है, जातिवाद इतना है। अब सवर्णों का घोड़ी से क्या नाता है वो मुझे नहीं पता। उनको इतना घोड़ी से, घोड़ी पे कोई दलित निकलता है, कोई बारात निकालता है तो उनको इतना आहत हो जाता है, तो उनका क्या नाता है वो तो जी समझ में नहीं आता। लेकिन अब आप सोचिए कि हम लोग 21वीं सदी में रह रहे हैं, 75 साल हो चुके हैं हमारी आजादी हुए, लेकिन फिर भी दलित क्यों आजाद नहीं, अपने आप को आजाद नहीं समझता उसमें, पीएसी जवानों के बीच में या पुलिस प्रशासन के बीच में भी। अगर किसी दलित को घोड़ी पे चढ़ने के लिए उनका सहारा लेना पड़ रहा है तो हम कहाँ के आजाद हैं। वो उसमें एनआई के ट्वीट में जब उन्होंने बड़े गर्व से बता रखा था कि सब कुछ शांतिपूर्ण हुआ, तो अब शांतिपूर्ण इसलिए हुआ क्योंकि जवान थे तैनात। अगर वो नहीं होते तो क्या शांतिपूर्ण होता, वहां पे आपको रहने की जरूरत क्या थी क्या। और दूसरों की जो सवर्णों की बारात निकलती है उसमें भी आप तैनात रहते हैं, उसमें भी कुछ ऐसा होने का डर रहता है। तो जब जी ये सब हो रहा है तो ये अपने आप में ही जाहिर करता है कि हम किस तरह के समाज में रह रहे हैं, जहाँ पे बर्दाश्त नहीं कर पा रहे कि कोई घोड़ी से कैसे रह सकता है। कितनी सारी खबरें आती हैं कि कोई मूछें रखने की वजह से लिंचिंग हो जाती है, उनको मार दिया जाता है। अभी राजस्थान में आपने देखा होगा कि लाइफ स्टाइल की वजह से उसको मार दिया गया, जितेंद्र मेघवाल जो थे उनको मार दिया गया, और कितनी सारी तमाम ऐसी खबरें हैं, रिपोर्ट ऐसी कहती हैं। तो ये तो अपने आप में है कि कास्टिज्म की वजह से, कि एक आप जिसको जो हाशिए पे खड़ा समाज है या जो सबसे निचले पायदान पे खड़ा हुआ समाज है उसको आप बर्दाश्त नहीं कर सकते कि वो बराबरी कैसे करे, उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते कि अच्छा वो हमारे सामने मूंछ कैसे रख सकता है, हमारे सामने जी घोड़ी पे कैसे बिल्कुल, चढ़ सकता है। तो ये सारी चीजें जब वो देखता है तो इसका वो विरोध करता है। मैम आपने अभी जितेंद्र मेघवाल की घटना के बारे में बताया, तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि क्या कारण है कि राजस्थान दलितों के लिए कब्रगाह बनता जा रहा है? देखिए, ना केवल राजस्थान बल्कि पूरा देश ही ऐसा है जहाँ पे इस तरह की खबरें तमाम आती रहती हैं। सभी जगह आप देख लीजिए, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, आप कोई भी राज्य उठा लीजिए, कोई भी जगह उठा लीजिए, जी कोई भी स्टेट, कोई भी गांव उठा लीजिए, आपको ऐसा कोई नहीं मिल सकता जहाँ पे कास्टिज्म नहीं होता। ठीक है, तो सभी जगह कास्टिज्म है, कहीं से ज्यादा आता है कहीं से कम आता है, लेकिन आता जी सभी जगह बिल्कुल से, पूरे देश भर में ऐसी कोई को ऐसा कोई कोना नहीं है जहाँ पे कास्टिज्म नहीं है। ठीक है, तो सब इसी तरह की खबरें आती ही रहती है, सभी जगह से इस तरह की खबरें आती है। लेकिन हाँ, ये बात सच है कि अभी हम हाल ही के दिनों में अगर देखें तो राजस्थान की खबरें हमारे सामने ज्यादा आ रही है, वहां पे इस तरह की खबरें ज्यादा आ रही है।
तो अब इसका क्या कारण है कि भाई अलग अलग सरकार वहां पे रहती है। राजस्थान तो एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे हर साल हर बार जो है सरकार बदलती भी रहती है, ठीक है, लेकिन फिर भी वहां पे फायदा नहीं होता, सरकार बदलने से भी कोई फायदा नहीं रहता। दलितों की स्थिति जो कि त्यों ही है, पूरे देश भर में ही जो कि तो ही है, तो उसको सरकार के आने ना आने से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, कितनी भी सरकार बदलती रहती है उनकी स्थिति तो वही है। भले बड़े बड़े दावे किए जाते हैं वोटिंग के टाइम पे, इलेक्शन के टाइम पे, लेकिन कोई स्थिति में चेंज नहीं ना आता है, कोई उनके लिए कुछ काम करता नहीं है, सिर्फ वोट बैंक बना के उनको रख दिया है। तो मैम क्या दलितों को सिर्फ वोट बैंक के रूप में ही इस्तेमाल किया जाता है? बिल्कुल किया जाता है सिर्फ वोट बैंक के, आप कहीं पे भी देख लीजिए, सिर्फ वोट बैंक के लिए, वोट 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 के लिए उनको सारे आश्वासन दिए जाते हैं, सारी चीजें कहा जाता है कि हम लोग ऐसा कर देंगे आपके लिए, लेकिन क्या वो हकीकत में होता है? अगर मैं बिहार का एक, मैं जब बिहार में रिपोर्टिंग कर रही थी इलेक्शन के टाइम पे, तो वहां पे तो जो डोम समाज था उन तक तो वो लोग जी वोटिंग के लायक भी नहीं समझ रहे थे, ठीक है, तो वो वहां तक वोट मांगने भी नहीं आ रहे थे। अभी आप जो देखिए जो मेन स्ट्रीम मीडिया का जो एजेंडा चल रहा है या देश भर में जो चल रहा है, वो हिंदू हिंदू और मुस्लिम के बाइनरी पे चल रहा है। उससे क्या हो रहा है कि हिंदू मुस्लिम के बाइनरी में क्या होता है कि दलितों को हिंदू तो बताया जाता है कि आप हिंदू हैं, आप वोट कीजिए, हिंदू हिंदू जो पार्टी है उसको वोट कीजिए, लेकिन क्या वो सच में हिंदू है? अगर ऐसा होता तो मंदिर में क्यों नहीं जा सकते थे वो, कोई पुजारी के रूप में क्यों नहीं आ सकते थे? जो इतनी सारी घटना हम गिना रहे हैं यहाँ पे, वो सारी चीजें नहीं होती, वो हिंदू के नाम पे तो नहीं होती, वो जाति के नाम पे होती है, लेकिन जैसे ही वोट का टाइम आता है उसको हिंदू बना दिया जाता है। वोट खत्म हुए, इलेक्शन जीते हारे, उसके बाद फिर उनको कौन पूछता है? कोई नहीं पूछता, वो दलित दलित ही रहता है, कभी वो कुछ और नहीं बदल सकता, चाहे उसके कोई भी धर्म में अगर वो बदल भी लेता है तब भी वो दलित ही रहता है। मैम क्या दलित को कभी एक इंसान के रूप में समझा जाएगा भारत में? भारत में तो पता नहीं, मुझे नहीं लगता कि अभी तक हम लोग इसी की तो लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर हम लोग हम देखिए हम जी किस चीज की लड़ाई लड़ रहे हैं, समानता की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम बराबरी की लड़ाई लड़ रहे हैं, ठीक है, तो हम सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं, ठीक है, हम लोग अगर बदले लेने की लड़ाई लड़ते तो हम ये लोग इस लायक भी नहीं है कि इनसे बदला भी लिया जाए। मतलब आप सोचिए कि इन्होंने इतना सदियों से जो जिस तरह से उत्पीड़न किया है, जिस तरह से किया है, उसकी तो कोई सजा भी नहीं है, आप किस सजा में उसको तोलेंगे? तो अभी तो हमारी लड़ाई है सम्मान की, बराबरी की, तो वो भी हमें नहीं मिल पा रहा। तो अब इंसान समझते नहीं, आप जानवरों को तो आप गले से लगा लेंगे, जानवरों की आप रक्षा करने की बात करते हैं, लेकिन हमको तो इंसान भी नहीं समझाता, हमारे लिए तो मुद्दा भी नहीं है। किसी एक शख्सियत ने कहा था कि हिंदू मुसलमानों को तो कम से कम इस देश में इंसान समझा जा रहा है, उनको दुश्मन माना जा रहा है। दलितों को तो दुश्मन भी नहीं मानते हैं लोग, उनको तो एग्जिस्ट ही नहीं मानते कि वो लोग हैं भी, एग्जिस्ट भी करते हैं, उन लोगों को तो कुछ भी नहीं समझते ये लोग। तो मैम ऐसा क्या कारण है कि दलित शिक्षित होकर भी पाखंडवाद में उलझा रहता है? इसका कारण यही है, जैसे अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया कि क्योंकि उसको जो है शुरू से हिंदू बताया गया कि आप हिंदू हैं, लेकिन ये नहीं बताया गया कि हिंदू में भी आप क्या हैं, आपके कितने नुकसान हैं, आप जितने धर्म ग्रंथ उठा लीजिए अगर, तो उसमें क्या बताया गया? शूद्र बताया गया, ठीक है, और शूद्र में भी आप कई सारी जो जो जातियां हैं उनको तो शूद्र से भी, उनकी तो कोई उनका तो कोई वर्ग भी नहीं बताया गया कि आप उस वर्ग में भी आते हैं, ठीक है, तो वो तो एग्जिस्ट भी नहीं करते हैं, किस तरह से उनको हिंदू? अब आप सोचिए, देखिए जो राम सीता हैं वो तो पहुंच गए उनके, लेकिन हमारे क्या बहुजन आइकन वहां तक पहुंच पाए? बहुजन आइकन को तो पहुंचने नहीं दिया। बाबा साहेब को क्या वो उस तरह से जान पाए? क्या फूले दंपति को जान पाए? क्या फातिमा शेख को जान पाए? इन इन लोगों को तो जान भी नहीं पाए वो। तो ये कारण है इसलिए, क्योंकि उनको हिंदू बना के रखा, उन तक हिंदू जो ये जो देवी देवता हैं जिन जिनका कुछ हमें पता भी नहीं है, वो थे भी नहीं भी, जो एग्जिस्ट भी नहीं करते, जो एक मनगढ़ंत कहानियों के आधार पर है, ठीक है, वो तो पहुंचा दिए गए, लेकिन जो असलियत में थे, जो एग्जिस्ट करते थे, जिन्होंने हमारे लिए पूरे देश के लिए समाज के लिए काम किया है, उनको तो ये मानते भी नहीं कुछ भी, उन तक उनको तो पहुंचने भी नहीं दिया, क्योंकि अगर वो पहुंच जाते तो अधिकार जानते अपने, अगर वो पहुंच जाते तो वो शिक्षा का महत्व जान पाते, वो अगर पहुंच जाते तो वो आवाज उठाना जान पाते, तो उन तक तो पहुंचने नहीं दिया उनको, क्योंकि वो चाहते हैं कि ये लोग जो है दबे ही रहे, ये लोग अपनी आवाज ना उठा सके, अपने अधिकार ना जान पाए, तो उनको शिक्षा से दूर रखा। और एक जो पाखंडवाद है, जो एक एक धर्म में जिस तरह से उनको उलझा के रखा है, वहां उनको फायदा हो रहा है, क्योंकि उससे क्या वोट बैंक, जी मैंने बताया ना, जैसे वोट बैंक का ये सहारा लेते हैं और वोट बैंक में उनको फायदा होता है उससे। जी मैम, बाबा साहेब ने हमें समान अधिकार वाला एक संविधान दे दिया, लेकिन फिर भी दलितों को आज इतना पिछड़ा समझा जाता है, उन्हें आगे नहीं लाने दिया जाता।
मैम इसके पीछे क्या कारण है? उन्हें बिल्कुल आगे बढ़ने दिया ही नहीं जाता। क्या जाति के अलावा भी कोई कारण है? इसका जवाब जैसे अभी मैंने बताया ना कि वही पाखंडवाद में आपको उलझा के रखा है, हिंदू धर्म में उलझा के रखा जी है, देवी देवता तो पहुंचा दिए लेकिन उन तक उनको नहीं पहुंचाने दिया, क्योंकि बहुजन आइकन्स को वो पहुंचने देंगे तो फिर शिक्षा का महत्व जानेंगे ना, क्योंकि जितने भी आप ये बहुजन फातिमा शेख हो गए या सावित्रीबाई फूले हो गए, इन्होंने जो है पहला स्कूल खोला महिलाओं के लिए, ठीक है, उन्होंने सिर्फ किसी जी दलित के लिए नहीं खोला, उन्होंने किसी आदिवासी के लिए नहीं खोला, उन्होंने महिलाओं के लिए खोला, क्योंकि महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं था और उस समय उनका विरोध भी हुआ, बल्कि महिलाओं ने भी उनका विरोध किया, ठीक है, अगर उनको वो जान जाते, उनको अगर आज हमारा समाज एक एक घर जान जाए, एक एक बच्चा जान जाए, एक एक परिवार जान जाए, तो वो महत्व समझेंगे शिक्षा का। मैंने एक रिपोर्ट की थी जिसमें IIM और IIT ने एक रिसर्च किया था कि प्राइमरी स्कूल में दलितों और बहुजन आइकन्स को दिखाया नहीं गया, बताया नहीं गया, तो उस समाज को बिल्कुल दूर रखा गया। आप प्राइमरी स्कूल में आप देखिए कौन बच्चे पढ़ते हैं, और जो प्राइमरी स्कूल में जो पढ़ते हैं, हम लोग भी जब जी प्राइमरी स्कूल में पढ़े तो वो हमें लाइफ टाइम तक याद रहता है, क्योंकि आपका जो ब्रेन है वो सबसे ज्यादा उस समय काम कर रहा होता है और वो आपको लाइफ टाइम तक याद रहता है। तो उस समय जब उन बच्चों को बताया ही नहीं जाएगा कि दलित क्या है, वो किस तरह स्ट्रगल से जीते हैं, वो कितना एग्जिस्ट करते हैं सोसाइटी में, ठीक है, बहुजन आइकन कौन है, उनको नहीं बताया जा रहा, जबकि स्कूल में तो सभी तरह के बच्चे पढ़ते हैं, सभी तरह के लोग पढ़ते हैं, तो उनके दिमाग में क्या चलेगा कि अच्छा एक फैमिली पढ़ रही, एक सवर्ण समाज पढ़ रहा है और उन्होंने वही सारे आइकन से उन्होंने ही सारी चीजें करी, वही वही जो है इतिहास उन्होंने रचा, तो उसके दिमाग में क्या चलेगा। जब उन सब चीजों से दूर रखा जाएगा तो वो बचपन से ही पूरी ट्रेनिंग दी जा रही है कि अच्छा इस समाज को जब वो जानेगा ही नहीं तो उसके बारे में बात कैसे करेगा, वो अब बहुत जब तक जानेगा तब तक बहुत देर हो जाती है ना, तो फिर वो उस चीज को जोड़ नहीं पाता है। मैम एक पत्रकार भी अपनी आवाज उठाता है जो उसको भी रोकने का कार्य कर दिया जाता है। दलितों के लिए आवाज उठाता है तो उसको रोक दिया जाता है। इस पर क्या बोलना चाहेंगे मैम आप? इस देश में सभी को रोका जाता है, ना केवल पत्रकार को बल्कि सभी को जो अपने हक अधिकार की बात करेगा उन सबको रोका जाएगा, जो जो सरकार को लगता है कि मेरे अगेंस्ट जा रहा है या मेरे मुझे इनके सवाल उठाने से, मुझे इनके अधिकारों पे बात करने से, मुझे इनके बोलने से दिक्कत है, तो वो सबको चुप कराएंगे, चाहे वो पत्रकार हो चाहे आम इंसान हो, सबको चुप करा रहे हैं वो, तो सिर्फ पत्रकार नहीं सबको, जो उनको लगता है कि वो जो उनके एजेंडे में फिट नहीं होते हैं, जो उनके हाँ में हाँ नहीं मिलाते हैं, वो सबको नुकसान पहुंचा रहे हैं। मैम क्या आज भी दलितों के अंदर शिक्षा की कमी है? बिल्कुल है, शिक्षा नहीं है, क्योंकि वहां पे एक एक साजिश के तहत उनको शिक्षा से दूर रखा जा रहा है। आज की जो है आप गांव देहात में चले जाएं, जैसे मैं अभी डोम समाज का बता रही थी, तो वहां पे जैसे मैं डोम और मुसर समाज वहां पे जब मिल के आई थी, तो उनको उनके बच्चों को भगा दिया जाता है, स्कूल से अलग रखा जाता है, बिठाया अलग जाता है, उनको खाने को जो देते हैं वो सब पहले खा लेते हैं, स्कूल के टीचर्स खा लेते हैं, बाकी सारे बच्चे खा लेते हैं, लास्ट में जब बचता है तो अगर वो पूरा पड़ता है तो ठीक है, नहीं तो उसमें पानी मिलाकर भी उनको दिया जाता है बच्चों को, ठीक है, और वो जो उनके उनके घर के बच्चे हैं वो अलग से बर्तन लेकर जाते हैं घर से, क्योंकि कहीं उनका टच ना हो जाए, पानी लेकर जाते हैं, कहीं जो स्कूल में बर्तन मिल रहा है, जो पानी मिल रहा है वो टच ना हो जाए, तो उनको अंदर से उन बच्चों को क्या होगा, जो दलित आदिवासी जो हाशिए पे खड़े समाज जो बच्चा है जिनके साथ ये भेदभाव बचपन से किया जा रहा है, तो उसको अंदर से क्या हीन भावना आएगी कि हमारे साथ स्कूल में ऐसा होता है हम नहीं जाएंगे, जो है टीचर जो है हमारे साथ इस तरह का व्यवहार करता है हम नहीं जाएंगे, जो हमारी गलती ना हो तो हमें डांटा जाता है मारा जाता है, उसको नहीं पता कि उसकी जाति की वजह से उसके साथ ये हो रहा है, लेकिन एक हीन भावना आएगी, वो स्कूल से दूर भागेगा, तो जब बचपन से उसको दूर भगाया जाएगा स्कूल से, तो वो आगे कैसे बढ़ेगा, वो कैसे फिर अच्छी अच्छी पोस्ट पे कर दिखाई देगा, ठीक है, तो फिर आप मेरिट की बात करेंगे तो मेरिट कहाँ से क्लियर होगा, जब मैं उसको वो माहौल ही नहीं मिला, उसको वो पढ़ने का अधिकार ही नहीं मिला, ठीक है, तो जब बचपन से ही जी उसको दूर रखा जा रहा है तो फिर वो कैसे उनकी बराबरी करेगा, और जिस माहौल से अगर वो आ भी रहा है पहुंच भी रहा है तो क्या उसको काम करने दिया जा रहा है, क्या आप अपने साथ बैठा के उसको काम करने दे रहे हैं, क्या अच्छा काम करने दे रहे हैं, उसको नौकरियां नहीं मिलती है, उसको रखा नहीं जाता, अपने साथ बैठा के काम करने नहीं दिया जाता है, पहुंच भी जाते हैं हम जैसे लोग तो उनको बताया जाता है कि आप इस पर्टिकुलर कास्ट के हैं और आप हमारे साथ बैठने के लायक नहीं है, आप साथ में काम करने के लायक नहीं है, तो वो जाति की वजह से ये सारी चीजें तो होती हैं, और बिल्कुल होती हैं। मैम बाबा साहेब ने संविधान में हमें शिक्षा से लेकर हर अधिकार दिया है, लेकिन फिर भी दलितों को पढ़ने नहीं दिया जा रहा। तो हम क्या दलित जागरूक हो पाएगा, अपने लिए लड़ पाएगा?
शिक्षा एक ऐसी पावर है, जब वो पहुंच जाएगी सब तक तो बिल्कुल लड़ पाएगा। इसीलिए जितने भी आप आइकन देखेंगे, बहुजन आइकन देखेंगे या बाबा साहेब देखेंगे, उन्होंने शिक्षा को बहुत महत्व दिया है। ठीक है, तो उन्हें पता था कि इस हर चीज का जो तोड़ है वो शिक्षा है। जब व्यक्ति शिक्षित हो जाएगा तो वो अपने अधिकारों के लिए खुद लड़ लेगा, वो अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए खुद लड़ लेगा, सिर्फ तो शिक्षा पे। इसलिए अगर शिक्षित होगा तो सब कुछ कर लेगा। जी मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थी मीना कोतवाल पत्रकार, जिन्होंने अपने विचार हमारे सामने रखे। धन्यवाद मैम। थैंक यू। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।